बिहार के उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण भले ही पटना में हो रहा था, पर पटना से 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल था। शहर के केदारनाथ रोड स्थित एक मोहल्ला में नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का ननिहाल है। रेणु देवी ने अपने कॉलेज की शिक्षा मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज से ग्रहण किया है। पढ़ाई के दौरान रेणु देवी अपने ननिहाल में रहती थी। आज जब लोगों को इसकी सूचना मिली कि रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, तब मुजफ्फरपुर में लोगों ने आतिशबाजी कर रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां जाहिर की। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी बुआ जिस पद पे है हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो जितना जनता के लिए की है उसका ही फल है आज वो जिस पद पे है। हमें बहुत दिल से हार्दिक खुशी हो रही है और आप बाकी सबसे पूछ सकते हैं। बुआ को मतलब सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो मतलब इस पोस्ट पे पहुंची है। और उसके बाद बुआ मतलब बुआ का वो क्या बोलते हैं, जो फेम पहले से था, जो जितना वो लोग की है वो उनके लिए बस उसका ये रिजल्ट है, जो मतलब मेहनत बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाता है, वो आज आया है। बहुत इतनी खुशी आपको झलक रहा होगा, कितनी खुशी है। हाँ बुआ ने किया ना, बुआ को मतलब बुआ कभी नहीं भूलती, ना भाई दूज भूलती है, ना राखी भूलती है, कोई भी सारा वो मतलब जितना भी फेस्टिवल होता है भाई को मतलब भतीजी भतीजा जितना भी है सबको लेके चलती है। और मतलब बहुत ही क्या बोले हम, मतलब जो जितना बोले बुआ के लिए कम है, बुआ इज बेस्ट। हाँ मेरा नाम मेघा। क्या लगती है? मेरी बुआ लगती है। कितनी खुशी मिल रही है परिवार की? हमको बहुत खुशी है, हमको आगे हो गए, आप तरक्की करे, आप अच्छी हो। इसी आंगन में उनका बचपन बीता था? इसी घर में। हाँ हाँ इसी घर में उनका उनका बचपन बीता था। उनके साथ की कुछ यादें जो आप लोगों के जहन में हो? क्या यादें, वो तो बहुत खुश मिजाज आदमी थे, बहुत ही सबको लेके चले पूरा परिवार का। आज उन्हीं का बदौलत और उन्हीं का मेहनत आज उनका इतना बड़ा मुकाम पर किया है। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी, जो उसका हम बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। जिन्होंने उनको ये पद दिए उनको अपना सब तहे दिल से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज मेरी उनके बदौलत मेरी दीदी आज इस पोस्ट पर हैं। कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, खासकर केदारनाथ रोड में हर घर में दीपावली और होली एक साथ मनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के बेटी को, बिहार के मुजफ्फरपुर और केदारनाथ रोड की बेटी, नोनिया समाज की बेटी को बिहार का सर्वोच्च पद, इस रोड के आज तक जितने लोग हुए हैं सबसे सर्वोच्च पद उप मुख्यमंत्री का पद नोनिया समाज के बेटी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को केदारनाथ रोड वासी की तरफ से, मुजफ्फरपुर वासी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, उनको बधाई देते हुए। और आज आप देख सकते हैं कि दीपावली खत्म हो गया लेकिन हर घर में पकवान बन रहे हैं, हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में एक साथ जो है अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। तो ये हम सबों के लिए आज उत्सव नहीं महोत्सव का माहौल है। 13 साल पुराना जो जोड़ी टूटा है उसके बारे में? देखिए ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, जोड़ियाँ टूटती हैं, जोड़ियाँ बनती हैं। जो हमारे साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पे विश्वास करती है। जो हमारे साथ आए उनका स्वागत है और खैर जाने वाले को कोई रोका भी नहीं जा सकता है।